मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और नाज़रीन आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा का प्रोग्राम मेरा शहर मेरे लोग। आज हम आए हैं वाल्टन रोड पैकेजेस मॉल के करीब एलडीए क्वार्टर की क्रिश्चियन बस्ती है और यहाँ के लोगों से हम मिलते हैं और मुलाकात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या क्या यहाँ पे मसाइल दरपेश हैं। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। भाई क्या नाम है आपका? गुलजार गुलू। यहीं पर रहते हैं आप? जी जी। अच्छा, ये इतनी बड़ी बस्ती है जी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मसले दरपेश हैं? सर मसले इधर बहुत ज्यादा है हमारे, गैस नहीं आ रही। देखो हमने सबने सिलेंडर उठाए हुए हैं, सिलेंडर उठा के गैस का बिल भी भर रहे हैं हम, बिल भी इतने ज्यादा आ रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। कितने अर्से से गैस नहीं आ रही? तकरीबन इधर कुछ 5-7 साल से आ नहीं रही। 7 साल हो गए। 5-7 साल तो बिल आप दे रहे हैं? बिल हम दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इधर पानी भी इतना खड़ा हो जाता है, 4-4 दिन कोई आता ही नहीं है इधर देखने के लिए कि पानी इतना खड़ा हुआ है, इतने इतने पानी में से गुजर के जाते हैं हम। तो इस पे जो आपके जो यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन थे, कोई भी नहीं है? कोई यूनियन काउंसिल कौन सी है? कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यूनियन काउंसिल कौन सी है? नहीं कोई भी नहीं है बाबू भाई, कौन है इधर काउंसिल? अच्छा, ये मैं कंटोनमेंट बोर्ड में आती है। ओके, तो यहाँ का जो काउंसलर है वो आपके पास नहीं आते? नहीं, नहीं आपके मसाइल पूछने के लिए कोई मसाइल? नहीं, कोई भी नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आता। नहीं, क्या वजह? वजह ये है कभी गरीब बंदे इधर रहते हैं, उनको पता है कि ये गरीब है, इन्होंने कंप्लेन करनी ही नहीं है। नहीं, आपने कभी कंप्लेन की भी नहीं? कंप्लेन इधर इकट्ठे हो गए जाते हैं बंदे, वो कहते हैं जी अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है तो आप लोगों ने जाहिर बात है वोट भी डाला होगा, तो इसमें आप लोगों ने अपने मुतालबात बताए नहीं है? बताएं। किसको बताएं? साद रफीक को। फिर कोई भी नहीं, बस यही कह देते हैं कि करेंगे जी, हम करेंगे, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शनों के बाद हम कर देंगे। अभी तक तो किसी ने आके पूछा तक नहीं हमसे। तो यहाँ पे ये जो सड़कें वड़के बनी हुई हैं अभी जी जी। ये टूट फूट का शिकार है। हाँ जी, कितना अरसा हो गया कि यहाँ तरक्याती काम नहीं हुआ? 5-6 साल हो गए कोई काम ही नहीं हुआ इधर। और पहले बनवाई थी इन्होंने, बनवाई थी साद रफीक ने, बनवाई थी। नाज़रीन आपने सुना कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। आइए हम आगे गली में भी चलते हैं और दूसरे भाइयों से भी पूछते हैं कि क्या क्या इनको मसाइल दरपेश हैं। नाज़रीन ये हमारे हैं इन डोर टू डोर, हम पूछेंगे यहाँ के जो मकीन हैं कि उनको क्या क्या और मसाइल दरपेश हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये इतनी बड़ी बस्ती है क्रिश्चियन और आप ख्वातीन ज़ाहिर बात है कि घर का काम काज भी करती हैं अपने घर का, तो क्या मसले दरपेश आते हैं आपको यहाँ पे? मसले ये हैं कि गैस नहीं आती, गैस की वजह से ऊपर से इतने बिल जो हम बिल भेज देते हैं वो भी नहीं हमारे से होते जाते, ऊपर से हम सिलेंडर भरवाते हैं 300-300 का, 400-400 का, 500-500 का, इतना उसका भी इतना खर्चा है हमारे घर में। अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है, अभी शादी में कुछ जॉब करती हैं। अच्छा, आप कुछ जॉब? हाँ जी। तो कैसे आप मजदूरी जॉब करके या कैसे आप अपने बच्चों को पाल? बस चलाते हैं हम, जितना होता है हमसे उतना हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं, मजबूरी से ही चलाते हैं। तो यहाँ पे जो मसाइल है, चले गैस नहीं आ रही, इसके अलावा ये जो सामने ग्राउंड बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, इस पे कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया सियासतदानों ने? नहीं नहीं, कभी नहीं दिया। पहले जब लोग आते थे यहाँ पे, गवर्नमेंट आते थे जो जिनकी मतलब इधर जो काम करते थे वो पहले आते थे, ये सही करते थे। अब यहाँ पे काम हुआ है ये पानी का, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, ये ग्राउंड बच्चों को खेलने कूदने के लिए बनाया था, ये झूले भी लगे हुए हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी। तो आप ग्राउंड खराब हुआ? अब ग्राउंड खराब हो गया। कितने अरसे से ग्राउंड खराब है? 3 महीने। अच्छा, अब आपकी वो जो खेल बंद हो गई है? हाँ जी। अच्छा, ये यहाँ पे इतनी मिट्टी डाल दी है कि अब बच्चों का यहाँ खेलना भी जो है ना दोबर हो गया है। नाज़रीन आप देख लें, इतनी बड़ी बस्ती है ये एलडीए क्वार्टर और ये गली है, देख लें टूट फूट का शिकार है और सियासतदान अपना खामोश तमाशा ही बने हुए हैं। यहाँ पे वोट लेने तो आ जाते हैं लेकिन काम करने के लिए चुप हो जाते हैं। क्या आपको मसाइल दरपेश है? मसाइल तो बहुत है। बारिश आ जाती है तो पानी 3-3 दिन घरों में
रहता है कमरों में। अच्छा, क्या वजह, किस लिए पता नहीं, वो पानी वो उधर से वाल्टन की वजह, सीवरेज का निजाम, हाँ जी वो नाले की वजह से आता है, निजाम ठीक नहीं है, निजाम सही नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि गैस के बिल इतने ज्यादा आते हैं मगर हमें सहूलत नहीं है, पूरी सर्दियों में वो सिलेंडर यूज किए हमने, गैस आती नहीं है तो बिल फिर भी आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, तो आप लोग बिल अदा कर रहे हैं? हाँ जी, तो जाहिर बात है बिल नहीं अदा करेंगे तो आपके पास जब सियासतदान यहाँ आते हैं वोट लेने के लिए तो आप वोट तो बड़े आसानी से दे देते हैं, कभी अपने मुतालबा पूरे कराने के लिए उनसे? तो जाहिर बात है हम चाहते हैं कि वोट जाया ना हो। अच्छा। किसी न किसी को तो देने ही होते हैं वो, समझ नहीं आ रही, तो इसीलिए हम वोट दे देते हैं, मगर ये कि हमारे मसले मसाइल नहीं हल हुए, इतने साल हो गए हैं इधर, पूरी सर्दियां हमने वो गैस नहीं आई, पूरी सर्दियां कितने अरसे से, हाँ जी अच्छा कितने अरसे से यहाँ पे गैस नहीं आ रही? ये तो हर साल ही ये होता है, नहीं नहीं मगर इस साल तो बिल्कुल ही नहीं आई ना, रात को भी नहीं आती। नाज़रीन बाजी का कहना है कि यहाँ पे गैस बिल्कुल आ नहीं रही, सिलेंडर भरा के हम अपने घरों के गुजारे कर रहे हैं और बिल हम जो से है ना हजारों रुपए भर रहे हैं। एक और हमारे साथ माजी हैं। अच्छा ऐ दसो माजी कि कितने अरसे तो गैस नहीं आ रही? तीन चार साल तक। अच्छा गैस तो इलावा आते होर के मसला है? मसले तो बड़े ही ने, दसो। पानी गंदा गटरां दा आंदा पिया नलकियां दे विच, नलक तो बाद ऐ छड़कां दा हाल वेख लो। अच्छा हां जी, और ते बिल ढेरो ढेर आ रहे ने, हुण असीं कित्थों कर लियाईए पानी, किसां फिर तुसीं इस्तेमाल करदे हो, किसां तुसीं भरदे हो? जदों लियाने पीण पूण वाला ते जिहड़ा दूसरा हुण जो इस्तेमाल फिर कर लीदा, होर की करीए फिर इत्थे रहंदे हो? हां जी असीं इत्थे, की मसले तुहानूं दरपेश? सब तों पहले नंबर ते गैस कोई नहीं है, बारिश पानी खलोता रहा, दो ढाई ढाई फुट तीन तीन फुट। अच्छा दसो इतना जनाब सब तो वड्डा जो मसला जो 40 साल रह इतने कभी भी जरा ना अपना सू सफाई का निजाम नहीं मिले, कभी भी नहीं, कभी आ जाते नहीं है जेडे जैकटा जुकटा पा के ना इतने सफाइया करा के, तो बहुत ज्यादा वो मसले मसाइल है अपने एम पी एम एन ए, उस बाद कोई जे कोई रीजन नहीं यो जहाँ इतने सफाइया हो जाए या कोई यो जहाँ हो जाए मसला, ए कूड़ा वेख लो ते सामने ढेर लगे पे जे। अच्छा बस्ती जी किन्ने अरसे तो कायम है? तकरीबन 45 साल हो चले ने, तकरीबन बने तो 50 साल हो गए ने, पूरे 45 साल सफाई का निजाम नहीं इतने होया, अज तक नहीं होया, सड़क सिर्फ दो बारी बनी है जी 45 साल, 45 साल सिर्फ दो दफा सड़क बनी है। अच्छा इस तो अलावा इन तरक्याती काम कितनी दफा हो चुके हैं? कोई नहीं, बस लाइटा वगैरह ही लाने आ गए हैं, कुछ ला देंगे, इको बार हो बस लाए ने, तो पिछले साल इन्होंने सड़क बार वाली बनाई है क्योंकि वह सड़क बड़ी मेन सड़क सी, उस तो बाद पानी आया सड़क बनने। अच्छा कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है क्योंकि घंटी चाहता है, क्योंकि कौंसलर तो हाले भी जड़े ने कायम ने, क्या कभी किसी कौंसलर ने इतने चक्कर लगाया था? कभी हो गया आजन बस है कोई लैंड लवा ली या कोई चार बंदे कट्ठे होके आए या पिछले दिन आए बोर्डिंग के मसले च आए ने, लोगों ने बोर्ड वगैरह पाए ने उन्होंने ठीक है तावन किया, लेकिन वो नहीं तावन करते, ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਾ 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 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੈ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਇਹ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਘਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਵੋਟ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਘਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-450 ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ फोन किया ने कई पूरे इलाके का मसला सी आ गए हल करने। 4-450 घर जो कायम है वो सारा गैस तो महरूम है?
ਭਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਜੀ 6000 ਰੁਪਏ 7000 ਰੁਪਏ ਐਡ ਤੇ ਦੇਨੇ ਆ ਔਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਾਲਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਐ ਸੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦੀ बिलकुल खराब कोई चक्कर जीरो ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲ ਕੂਦ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ 25000 ਰੁਪਏ ਬਲਕਿ 40000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 25000 ਰੁਪਏ 25000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ बकाया झूले लगे ने बच्चे लई खराब ने बिल्कुल खराब हो गए अल्टोवाल कोई भी नहीं दोबारा किन्ने अरसे कोई कम से कम 2-3 साल ही हो गए 2-3 साल तो ही हो गया सारा नाम नाज़रीन आपने सुना कि यहाँ पे काफ़ी मसाइल दरपेश हैं लोगों को। ये एलडीए क्वार्टर बड़ी मशहूर एक क्रिश्चियन बस्ती है लाहौर कंट की और यहाँ पे 400 से 450 घर हैं मसीही और आपके सामने हैं को देखें एक साथ बस्ती है जो कि बी ब्लॉक उसको कहा जाता है और वहाँ पे ज़्यादातर तादाद मुस्लिम भाइयों की है और यहाँ के मकीनों का कहना है कि वहाँ पर गैस बिला नागा आती है मतलब कभी भी वहाँ पे गैस की बंदिश नहीं हुई लेकिन यहाँ पे एक अरसे से गैस की बंदिश भी है और हम लोग सिलेंडर भरा भरा के तंग पड़ गए हैं लेकिन बिल हमें आते हैं बिल हम कंटिन्यू अपना अदा भी कर रहे हैं। अब आप ये देख लें ये एक बस्ती है अब आगे भी चलते हैं उस पार्क की भी आपको कंडीशन दिखाते हैं जहाँ पे PHA के अंडर है वो पार्क और वो सारी की सारी टूट फूट का शिकार है। बच्चों के लिए जो झूले बनाए गए हैं वो भी टूटे फूटे पड़े हैं लेकिन उस पर कोई PHA काम नहीं कर रहा जबकि यहाँ पे मकीनों का कहना है कि यहाँ पे जो शादी ब्याह हम करते हैं बच्चे का या किसी बेटी का तो वो उसके उनको ना किराया देना पड़ता है 40000 रुपये। LDA क्वार्टर एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन बस्ती है सर की मसाइल दरपेश ने गैस तो इलावा बड़े मसाइल ने सड़कां टुटियां गलियां तुहाडे सामने ने पानी आ जांदा जदों सियासतदान तुहाडे को वोट लै जांदे ने जदों सियासी मेला लग रहा हुंदा वोट नहीं उदों तुसीं मुतालबा भी करदे हो तो तुसीं कदी ऐ नहीं कहा कि जी पहले काम करो तो फिर वोट दांगे भाई ये पाकिस्तान है इत्थे मुतालबे नहीं पूरे हुंदे लोकां दी रोटी नहीं पूरी हुंदी मुतालबे किन्नू पूरे करने ने साडे ठीक है ते अजकल सारे जी शेर ते फलाना है ढींगा है पाकिस्तान ने भी कोई कुछ करके बखाया ना ऐसा ही सारा निजाम रहेगा ना जी फिलहाल ते जी तुसी कदी जिन्ने भी इते 450 कार मसीहां दा है जी भाई क्या कदी तुसी इस बारे इत्तेजाज कीता है कि साडे मुतालबे पूरे कीते जी सर बढ़िया इत्तेजाज कीता है कदी सुनवाई नहीं हुई नहीं साडे इसनु कोई सुनवाई नहीं हुण गैस देखो माड़ा आदमी 1000 रुपया मुश्किल ना कमांदा है जिच 300 दी गैस लग जांदी है अगे एक बंदा की करे बिजली दे बिल बंदा किथे जाए हांडी रोटी आटा पानी इना महंगा हो गया है की कर दे मैं भाई चलाना मोटरसाइकिल बाइकिया वो आज चोट लगन दी वजह मैं नहीं गया तो आज फिर चूल्हा ठंडा है ज्यादातर तादाद इथे मजदूर तबके दी मजदूर तक बका ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ
तनखाहदार बंदे हैं लेकिन है कि महंगाई के हिसाब न जो है बहुत मुश्किल है कि जिनी की महंगाई है कम अज कम बंदे की 50,000 रुपया सैलरी हो तो फिर बंदा सर्वाइव कर जाए नहीं तो गलिया टूट फूट का शिकार कदों तो ने गलियां मेरा ख्याल है अज तो 10-15 साल पहले ही बनिया ने जड़िया बनिया ने बाद इस तरह चल रही ने पहले पानी का मसला सी चलो शुक्र है खुदा का कि पानी का मसला हल हो रहा पानी कहना बरसाती पानी जरा मतलब हर साल कुछ ठीक हो गया मतलब नुमाइंदे काफी दफा गए ने उन्होंने जाके उसे एप्लीकेशन भी दी ने लेकिन कुछ भी नहीं कोई सुनवाई नहीं होती। इस वक्त एलडीए की उस ग्राउंड में आए हुए हैं जहां पे यहां के जो मकामी लोग हैं अपने बच्चों की शादी ब्याह करते हैं और कोई भी तकरीब हो जाए इस अपना ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब आप क्या करते हैं? मैं सर प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे क्या क्या मसले दरपेश हैं? ज्यादातर गैस के ही हैं और सिर्फ गैस का मसला। गैस का पानी साफ आता है? पानी तो साफ आता नहीं है घरों में पानी यहाँ फिल्टर की तो और फिल्टर की रिक्वेस्ट की है तो वो सड़कों का भी है। सफाई का निजाम बताया? कोई भी नहीं। कितने अरसे से सफाई यहाँ पे नहीं हो रही? होती नहीं है सफाई। तो कैसे आप अपनी मदद आप ही कर रहे हैं? बिल्कुल अपनी करते हैं खुद ही। आप क्या करते हैं? सर मैं स्कूल में टीचर हूं और स्पोर्ट्स टीचर हूं और मुझे यहां पे रहते तकरीबन 35 से 38 साल हो गए हैं। ये साथ ही हमारा घर है और ये बिल्कुल ग्राउंड जो है कॉर्नर पे हमारे और हम भी यहां पे खेला करते थे तब उस वक्त ये ग्राउंड के हालात बहुत अच्छे थे मगर अभी इस वक्त आप देखें यहाँ पे खड़ा होने को दिल नहीं चाह रहा। हम भी यहाँ पे भरे हुए हैं। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ पे खेला करें और अगर खेलेंगे बच्चे हमारे तो दूसरे हरकत से बात रहेंगे नशा से और हर चीज ऐसी बुरी चीज। ये कब से ये ग्राउंड इस तरह की हुई? ये सर ये तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं 5 तब से पहले ठीक इससे पहले ठीक थी कुछ बेहतर थी इनके खेलने के काबिल थी। ग्राउंड में तो इतना गंद पड़ा हुआ देखा? अभी है सर ये अभी है पहले नहीं था। पहले नहीं था पहले बच्चे खेलते थे और हम लोग भी खेला करते थे मगर अभी ये 5 महीने से ऐसा हो गया। आपके घर में पानी साफ आता? पानी सर अभी ये हालात है पानी तो ठीक आता है मगर साफ आता है? साफ भी नहीं आता साफ भी नहीं आता और पानी कभी आता भी नहीं। सुबह 6 बजे परसों मैंने अच्छा ये जो बस्ती है जी ये कितने अरसे से कायम है सर? ये कितना अरसा हो गया इस बस्ती को कायम हुए? 83-84 से मेरे ख्याल में यहाँ पे। हाँ जी 45 या हाँ जी के करीब हो गए। बिल्कुल इतना हो गया सर। तो अभी तक इसका हाल यही है? अभी तक ऐसी है आपके सामने। क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह ये सर के कोई नहीं आप लोग जो मुतलका इदारे हैं जी जी आप उनसे बताते नहीं कि भी हमारे इलाके में सफाई की जाए पानी का निजाम बेहतर नहीं है उसको पानी बेहतर किया जाए घरों में अपना जो गटर से भरा हुआ पानी आ रहा है नल जो से है उसमें बदबूदार पानी आ रहा है। सर ये कंप्लेन बहुत करते हैं मगर कोई भी नहीं आता इस तरफ टाल देते हैं हमें जी हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके वो सियासतदान हैं जो पॉलिटिकल निजाम में है जो एक पॉलिटिकल हजरात बड़े सरगर्म हो जाते हैं यहाँ पे जो सियासी बंदे हैं उनका क्या कहना? आप लोगों ने कभी उनसे नहीं पूछा कि भाई आप हमारे यहाँ तरक्कियाती काम क्यों नहीं करवा रहे? सर पॉलिटिकल जो है हमारे बस आते हैं वोट लेने के लिए। यहाँ पे जो मकामी है बिल्कुल वो करते हैं कहते हैं जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हमें भी तसल्ली दे देते हैं और हम भी कहते हैं ठीक है झूठी तसल्ली मिल गई है झूठी जाहिर है झूठी होगी सर सच्ची तो नहीं होगी अगर वो क्लियर हो तो हम भी कहें यार बहुत अच्छा हो गया अभी तसल्ली तो दी है चलो झूठी तसल्ली दे गए मगर ये है कि अभी तक हालात तो बिल्कुल वैसे ही हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ये इतनी बड़ी ग्राउंड है ये आप लोगों के लिए ही सहूलत फराहम की है बिल्कुल तो ये बताएं कि इस ग्राउंड पे जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं
तो आप पीएचए को पैसे देते हैं? कोई भी प्रोग्राम हो वो लेते हैं हमसे पैसे सर, कोई भी प्रोग्राम हो पैसे लेते हैं हमसे। 25000 रुपया पर डे का लेंदे साडे को, के पैसे लेते पर डे का, पर डे एक दिन का फंक्शन 25000 रुपया लेंदे थे। ए माफ कराया जाए, ये पीएचए लेते हैं पैसे, माली ले वो लेंदे पैसे, माली भी पैसे लेते, माली आपसे ऑर्डर वो पेपर लेंगे, माली इजाजत देंगे सानू क्या भाई तुम प्रोग्राम कर लो, अगर पेपर ना लाने कोई आ रहा नहीं। तुसी कदी ऐ नहीं कहया के पैसे लेंदे हो तुसी, ए बच्चियां दे झूले सही करो, ए सारा जेड़ा निजाम है, ए देखो सरबर होवे ते कहिए ना किसे नु, सरबर ही कोई नहीं, कोई नहीं, सारे चौधरी ने घर घर इथों दे जेड़े सरबर अपने आप नु कहंदे ने चौधरी, ओ सारे चौधरी ने पूरे, अरे मैं चौधरी हां, चौधरी ओ चौधरी, सारे चौधरी ने थे यार। एडी वड्डी है बस्ती है, क्रिश्चियन बस्ती है, एंदा कोई क्रिश्चियन बस्ती ना ही बस, अच्छा कोई चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन होवे दे ला तो पैसे दे के काम कराइए। भी आप सिर्फ देख लें बी ब्लॉक की ग्राउंड देख लें, आगे जाके आपको इसकी नीबियत से ज्यादा उसकी हालत बेहतर नजर आए, क्यों उसी उधर 12 घंटे माली रहते हैं, इधर तो माली का नामो निशान ही नहीं है, कोई सफाई का ख्याल नहीं, कोई चक्कर नहीं, बच्चे के क्या जिंदगी में बस, कोई है नहीं पूछने वाला, कोई पूछने वाला हो तो फिर जिससे बोले। आप ये नहीं समझते कि यहाँ पे कमजोरी किसकी है, ये यहाँ पे जो पॉलिटिकल बंदे हैं वो कोई बात नहीं करते, कोई यहाँ आप जो चेयरमैन है बने हुए उनको बोले तो वो कहते हैं जी बोला है जी वो आ जाएंगे, ठीक है आगे जिसको भी बोलते हैं वही चेयरमैन वही चौधरी वो करते नहीं है काम पूरी, मतलब उस अमल ही नहीं होता उस बात पे, उस काम पे अमल ही नहीं होता ना वो काम कराना, या बच्चे गंदगी में खेलते हैं तो बस गुजारा हो रहा है। अब जो गैस नहीं आ रही, 500 की गैस डलवा के आ रहा हूँ, गैस तो समझ के ना गर्मियों में ना सर्दियों में गैस का ना। वोट किसको दिया? वोट किसी को भी नहीं दिया। अच्छा नाज़रीन आपने सुना यहाँ के मकीनों के जो मसाइल दर पेश हैं, एलडीए क्वार्टर एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन बस्ती है लेकिन यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, और आप ये देखें कि यहाँ पे इतनी बड़ी बस्ती होने के बायस ना तो इनको साफ पानी मिल रहा है घरों में और ना गैस मिल रही है, और तो और यहाँ पे गलियां टूट फूट का शिकार हैं। अगर एक साइड पे कहा जाता है कि जी मिनोरिटी को एक उनके बुनियादी हकूक दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आप ये देख रहे हैं सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर एक नई बस्ती में जाके आपसे मुलाकात होगी। मसीह आप सबके साथ।